हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और लेके आई हूँ आज आपके लिए सिंपल इंडियन स्टाइल पास्ता रेसिपी, जो बनाना ही बहुत ही इजी और खाने में होती है काफ़ी टेस्टी। तो पास्ता कई तरह से बनता है, रेड सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, और हमने बनाया है आज इंडियन स्टाइल पास्ता। इसे बनाना काफ़ी आसान होता है और ये खाने में होता है लाजवाब। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस पे मैंने पानी पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें अच्छा सा आ गया है बॉईल। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे पास्ता। तो पानी बॉईल होने के बाद ही आपने इसमें पास्ता डालना है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं नमक, ताकि जब हमारे पास्ता पानी में बॉईल होए तो ये थोड़ा सा सोल्टी भी हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए इसे पानी में बॉईल होने देंगे। तो हमें पास्ते को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हमें इसे 70-75% तक ही कुक करना होता है। तो ये हो गया है, गैस को कर दिया है मैंने बंद और एक छलनी की सहायता से अब हम इसे छान लेंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे, ताकि इसकी कुकिंग यहीं पर स्टॉप हो जाए। अब दूसरे पैन में ले लिया है हमने 2 चम्मच तेल, इसे गर्म होने देते हैं। और ले लिया है कुछ सब्जियां, मैंने लिया है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। तो वैसे तो मैं गाजर भी डालती हूँ इसमें, लेकिन प्रेजेंट टाइम मेरे पास गाजर नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो प्याज को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे हमारी शिमला मिर्च और टमाटर, सबको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, थोड़ा सा ही हमें इसे पकाना होता है, ताकि बस इसका कच्चापन निकल जाए। तो हमारी सब्जियाँ हो गई है रेडी और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता। आप चाहें तो सेम मेथड से मैक्रोनी भी बना सकते हैं। मैक्रोनी और पास्ता, इन दोनों सेम टेस्ट ही इनका आता है बनने के बाद। तो सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले, आधा छोटा चम्मच हमने ले लिया है नमक और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर। तो इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छे से मसालों को कर लेते हैं मिक्स। आप चाहें तो यहाँ पे मेयोनी डाल सकते हैं, केचप डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पास्ता मसाला, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पास्ता मसाला डालना यहाँ पे ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने डाल दिया है मलाई, तो ये नॉर्मल जो दूध की मलाई होती है ना फ्रेंड्स, वो ही मलाई हमने डाली है। तो मलाई की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स। तो थोड़ी सी मलाई मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, तो मलाई से ये काफ़ी टेस्टी हो जाता है। आप यहाँ पे चीज़ भी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी चीज़ी हो जाता है। तो अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। मेरे को ये काफ़ी सिंपल बनाना था इसलिए मैंने इसमें चीज़ वगैरह नहीं डाली है। अब इसमें डाल दिया है ओरिगेनो, ओरिगेनो डालना भी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हमारा पास्ता बनके हो गया है रेडी, गैस को कर दिया है बंद और अब इसको डाल लेते हैं प्लेट में और गर्मा गर्म इसको सर्व करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो ओके, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।